वेलकम टू माई चैनल पकवान विद ज़ायका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना मसाले की रेसिपी। चना मसाले के लिए मैं यहाँ पर बॉईल कर ली 2 कप्स चने। मैं चनों को अच्छी तरह से वॉश करके खाने का सोडा ऐड करके ओवरनाइट पानी में सोक करके मैं इसको नमक ऐड करके चनों को बॉईल कर ली। ये मेरे बॉईल किए हुए चने हैं और मैं यहाँ पर 1 कप काला चना और 1 कप काबुली चने मिक्स चनों का मैं यहाँ पर चना मसाला बना रही हूँ। पैन में मैं ऐड कर दी 1/4 कप ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी साबित मसाले, 1 दालचीनी का पीस, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची साबित काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग। इन तमाम साबित मसालों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज अनियन पेस्ट। इसको मिक्स करके इसको मैं फ्राई कर ली। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पूनफुल जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। अब मैं ऐड करूँगी तमाम स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पूनफुल रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पूनफुल जीरा पाउडर, 1 टीस्पूनफुल धनिया पाउडर, 1 स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी। इसके लिए मैं ली 2 टोमेटोज, उसको मैं ग्राइंड कर ली। उसकी मैं प्यूरी इसमें ऐड करके थोड़ा सा भून लूँगी। वन टेबल स्पून फुल एवरेस्ट का मैं छोले मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ऑयल सरफेस पे आए तक। थ्री टू फोर चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चिलीज ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा कुक करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी बॉईल किए हुए चने। चने ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्लो फ्लेम पे 5 to 10 मिनट्स मैं इसको कुक करूंगी। चनों को मैं कवर करके इसको स्लो फ्लेम पे कुक कर ली। अच्छी तरह से चने कुक हो गए। अब मैं इसमें ऐड कर दी चॉप्ड कोथमीर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चने मसाला मेरा बन के रेडी हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मेरे इस चने मसाले की रेसिपी को आप ट्राई करिए। आप इसको सर्व करिए पूरी के साथ। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी की रेसिपी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 कप आटा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 टीस्पून नमक। आटे में मैं ऐड कर दी 2 टेबल स्पून घी। आप चाहे तो घी के प्लेस में ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा सख्त डो बनाना है। डो बन के रेडी हो गया। पूरी के डो को आप रोटी के डो से थोड़ा सा सख्त बनाना है। 1 घंटे के लिए मैं आटे को सेट होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद इसके पूरीज बनाऊंगी। यहाँ पर मैं पूरीज के लिए छोटे से बॉल्स बना ली। अब मैं यहाँ पर पूरी मेकर में पूरीज बना रही हूँ। आप चाहे तो छोटे से पूरीज बेल के भी आप फ्राई कर सकते हैं। मेरी इस पूरी की रेसिपी को आप ट्राई करिए। ये सॉफ्ट और क्रिस्पी पूरीज बनते।
पूरीज बन के रेडी हो गए। पूरीज को आप सर्व करिए छोले मसाले के साथ। मेरी इस छोले और पूरी की रेसिपी को आप ट्राई करिए। ये रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाले और पूरी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।